वेलकम बैक गाइस एक और नए व्लॉग में। सो भाई अभी टाइम हो गया ऑलमोस्ट 12:15 होने वाले हैं। तो आज मैंने पहले व्लॉग ही अपलोड किया था कि भाई कल की तरह लेट ना हो जाए, तो व्लॉग अपलोड कर दिया। बाकी भाई बारिश देख रहे हो, अभी भी बारिश आ रही, सारे कपड़े वपड़े ये देखो सब भीगे हुए हैं। तो कल रात से हमारे यहाँ, मतलब कल शाम को जब आई थी ना बारिश, उसके बाद तो रुकी ही नहीं है, सब चल रहा है। मतलब अब पूरी रात बारिश थी, पूरी रात लाइट भी नहीं थी। अभी सुबह थोड़ी देर के लिए आई थी और अब फिर चली गई है। और तो और भाई हमारे तो अंडरपास में भी पानी भर गया है। तो पापा गए थे सुबह ऑफिस कार वार लेके, कि भाई बारिश थी इसलिए कार लेके जा रहे थे, लाइट आ गई। तो भाई कार लेके जा रहे थे तो वहाँ हमारा अंडरपास है, गांव में दो हैं बाहर जाने के लिए, तो दोनों में पानी भरा है। वापिस आ गए, छुट्टी कर ली। पहले क्या होता था कि अब तो 2 साल से कोरोना चल रहा है, लेकिन पहले भी ऐसी सिचुएशन होती थी, जितने भी बच्चे थे ना सबके मजे हो जाते थे स्कूल, क्योंकि स्कूल बस आती नहीं थी, सबकी छुट्टी हो जाती थी। तो बच्चों ने ऐसी इस माहौल में, मतलब कि जब ऐसे बारिश आती थी तो बड़े छुट्टियों के मजे लिए। बाकी भाई कल जैसे व्लॉग लेट हुआ था ना, तो हुआ क्या था कि मैं बता चुका हूँ कि उस टेक्निकल इश्यूज की वजह से हो गया था। बाकी व्लॉग आज भी मैं 10:30 से ट्राई कर रहा था, 2-3 बार नहीं हुआ, मतलब जाके स्टॉप हो जाता है यार, पता नहीं क्यों 30-40% पे जाके रुक जाएगा कि अपलोड ही नहीं होगा। तो आज भी मैंने काफी मशक्कत करके फिर अपलोड किया था, तो 11:28 पे अपलोड हुआ था मेरा व्लॉग। तो आज तो 2 मिनट पहले ही अपलोड हुआ था, तो नहीं तो आज भी लेट हो सकता था। तो भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लाइक कर दिया करो वीडियो जैसे स्टार्ट होती है, तो लाइक कर दिया करो। तो भाई अभी के अभी जिस भाई ने लाइक नहीं किया है वीडियो को, जरूर लाइक कर दो और शेयर किया करो, कमेंट किया करो, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। बाकी भाई ब्रेकफास्ट हो चुका है और अभी चल रही है तैयारी पकौड़ों की, क्योंकि भाई बारिश है तो पकौड़े तो बनने थे। तो काजल अभी काट रही है, ये क्या है, आलू और प्याज, तो बनेंगे आज पकौड़े, बना ले भाई फटाफट, मजा आ जाएंगे। उसकी शक्ल नहीं दिखाऊंगा कि ये बोल रही है, मेरी शक्ल मत दिखाना, मैं नहाई नहीं। वैसे भी सुन, तू नहाई और बिना नहाई बराबर ही लगती है। तो भाई अपने पकौड़े बनकर रेडी। नॉर्मली यार मैं मुंबई में रहा हूँ, ऐसे पकौड़े ना पता है मुंबई में बहुत चलते हैं, मतलब कि इसने ना बहुत क्या कैसे बनाई है, बहुत पतली कर लेती है ना, तो इनको तो बहुत पतला कर लेती है, इससे ऐसे बनते हैं। तो ऐसे ही पकौड़े चलते हैं वहाँ, चाट बोले जाते हैं, चाट 15-20 रुपए की प्लेट मिलती है। तो भाई अभी टाइम हो रखा है ऑलमोस्ट 5:15 और आज पूरा दिन बारिश हुई थी, अभी रुकी है थोड़ी, तो मैं भी सोच रहा हूँ बाहर जाने की। तो मैं बाहर जाता हूँ, तब तक तुम ये कुछ शॉर्ट्स इंजॉय करो जो कि मेरे भाई ने भेजे, वो गए हुए थे घूमने। भाई कल रात से ना बारिश आ रही थी, तो ये जो दीवार थी ये गिर गई है पूरी पानी की वजह से, कटा हो के, ठीक है, और पारे पानी पानी। तो यहाँ पे चाचा खड़ा है और भाई यहाँ भी मिट्टी विट्टी कट गई, सारी मिट्टी कटे, तो तगड़ी वाली बारिश हो रही है, देख रहे हो। यहाँ भी टाइम हो गया है 8 और हम लाइट नहीं जला रहे हैं, क्योंकि भाई भुत्तर आ जाएगी, खाना वाना खाना है, खाना वाना क्या होता है, खाना वाना खाना है। तभी मैं आया हुआ था मौसी के घर पे और यहाँ मेरी मौसी बना रही है खाना, और मेरी मौसी के पास एक यंत्र है, क्योंकि मेरी मौसी बेचारी थोड़ी सी छोटी है और मेरी मौसी का हाथ ना पहुंचे, तो पट लगाना पड़े से रोटी बनाने खतर। अपने इतनी इतनी बड़ी क्यों बनाई थी हमने स्लैब, हाँ इन फ्यूचर देख कर बनाए थे, छोटू साइल की बहु लंबी आवेंगे, देख रहे हो यहाँ पे देखो ऐसे बनाती है मेरी मौसी, फ्यूचर का सोच कर बनाया मेरी मौसी ने मकान। छोटू बेस्ट फ्रेंड तेरा बनेगा, नाम तो बता दे यार, अमृत। तो भाई हमारे ओटू डॉक्टर साहब के दोस्त अमृत भाई
हमारे होटू डॉक्टर का थोड़ा ध्यान रखा करो, बेचारो गुम गम है जाए कि तो बस स्टैंड भाई एक साथ आ जाया कर रही, बस बस में बैठाया जाया कर। अरे पेन पान धुआ दिया कर ये ने, जो मारे घर आए के छाती ठोक के यार कदू का वो पेन ले दू ना नियर महेंद्रगढ़ से आ जाएगा, बस में बैठ के अटेली से आ जाएगा नार नोर से धरा के घूमन पेन ना ले वो पेन ले कर दो, मैं कापी ना ले मैं कप बताया अरे कापी पेन तो धुआ दिया कर यार भाई अमृत स्पेशल यार तेरे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई। और थरगाम में हमने सुनी थरगाम मंडर पास में पानी भर गो और तू मोटरसाइकिल लेके गयो और तू इतना डूब गो, ये भी बताई भाई होटल वाले भाई बी सेफ है, मतलब जब बेरोस अंडर पास में पानी से तो क्यों जानो, इतनी बड़ी मूर्खता क्यों करनी, बी सेफ है भाई। बात सुनो सारे, और मैं बहुत सीरियस बात कर रहा हूँ ये, और साहिल भी साथ है तेरे सामने कर रहा हूँ भाई, सारे भाई सारे कान खून के कान खोल के सुन लो ये बात, हम छोटू का मजा ले इसका, हमने कुछ भी गलत कह दी ना यार कमेंट कर दिया तो अच्छी बात नहीं कि भाई इंजेक्शन चल जाएंगे इंजेक्शन बता दिए छोटू कह दई से भाई इंजेक्शन, अरे भाई पानी का भर लगाओ तो गुड नाइट तो कर दे, गुड नाइट तो ठीक है भाई मिलता हूँ अपने साइड। टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 9:15 हो चुके हैं, और भाई अभी खाएंगे खाना तो सुबह बनी थी आज भिंडी की सब्जी, मेरे को लग रही है भूख तगड़ी वाली, डिनर करते हैं उसके बाद मिलते हैं आपसे। भाई अपना डिनर विनर हो चुका है, बाकी यार अब ये कपड़े देख के ये मत बोलना कि भाई तूने कपड़े चेंज नहीं किए, पर भाई हकीकत ये एक ही मजन आया ही नहीं, सुबह से बारिश आ रही थी और पानी भाई टंकी में बहुत ठंडा हो गया था, मन किया ही नहीं भाई बिल्कुल नहाने का, दोपहर में सोचा पानी को मतलब ऐसे जाके देखा कि चलो नहा लेते हैं, पानी के नीचे हाथ डाला मतलब टैप चला के तो भाई इतना ठंडा लगा, मैं कहा भाई देखते हैं शाम को, लेकिन बारिश आई जा रही थी शाम तक, तो भाई पानी लगा ठंडा और अपना जो गीजर है उसका सिलेंडर हटा रखा है, तो अब इतनी हिम्मत हुई नहीं कि भाई उस ठंडे पानी से हम नहा लें, तो भाई अब जो समझना है तुमको समझ लेना, तो मैं नहीं नहाया आज। बाकी आज के व्लॉग में था इतना ही, आई होप आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर करना कमेंट करना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, तब तक टाटा बाय बाय।